Good morning, students. I'm your EVS teacher, and we have read half this chapter. हम लोग ये chapter 4 half पढ़ चुके good habit and good manners. यहाँ तक अब हम लोगों को आज एक नया topic पढ़ना है standing in a queue. तो queue का मतलब क्या होता है line. अगर हम कहीं पे भी खड़ा है तो stand in a queue. मतलब कहने का मतलब हम लोग जहाँ पे भी खड़ा होते हैं तो हम लोगों को एक line में खड़ा होना चाहिए. जैसे कि while drinking water, जब भी हम लोग पानी पीते हैं तो हम लोगों को कैसे में खड़े होने चाहिए, लाइन में खड़े होने चाहिए. जब भी हम लोग पानी अगर ले रहे हैं या फिर कहीं पीने जा रहे हैं तो भी लाइन में खड़े होने चाहिए. वाइल बोर्डिंग द बस, अब हम लोग कहीं भी बस पे भी चढ़ते हैं तो हम लोगों को क्या लाइन बनाकर चढ़ना चाहिए. इन मॉर्निंग प्रेयर्स, आप लोग अधिकतर देखते होंगे कि मॉर्निंग प्रेयर्स में भी हम लोग लाइन में ही खड़े होकर प्रॉपर वे में प्रे करते हैं. सम अदर गुड हैबिट्स, अब कुछ गुड हैबिट्स बता रहा है. जैसे से प्लीज़ टू रिक्वेस्ट समवन, अगर हम लोग किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप ये काम कर दीजिए या फिर कुछ भी अगर हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे प्लीज़ वर्ड का यूज़ करेंगे. ठीक है, अब जैसे कभी बोलते ना कि रिक्वेस्ट करके बोलते ना तो साइड हो जाइए, तो क्या बोलते हैं, प्लीज़ साइड. तो उस चीज़ के लिए हम लोग प्लीज़ यूज़ करते हैं. से सॉरी इफ़ यू डू समथिंग रॉन्ग, अगर आप लोग कुछ गलती करते हैं तो आप लोगों को सॉरी बोलना चाहिए. से थैंक यू वेन यू गेट समथिंग, अगर हम लोग किसी से कुछ लेते हैं तो हम लोगों को उसके बदले थैंक यू बोलना चाहिए. ये सब गुड हैबिट है. से यू आर वेलकम वेन समबडी से थैंक यू, अगर कोई हम लोगों को थैंक यू बोलता है तो हम लोगों को उसको अपोजिट में वेलकम बोलना चाहिए. से एक्सक्यूज़ मी वेन यू स्नीज, जब आप लोग छींकते हैं तो आप लोगों को एक्सक्यूज़ मी बोलना चाहिए ताकि इससे डिस्टर्बेंस किसी को ना हो. अगेन वी शुड बी अ गुड सिटीजन एंड हेल्प द नीडी पीपल बाई डोनेटिंग क्लोथ्स फूड एंड टॉयज एक्सेट्रा टू देम, अब हम लोगों को बोला जा रहा है कि हम लोगों को एक गुड सिटीजन बनना चाहिए, मतलब नागरिक बनना चाहिए. कब, जब किसी ज़रूरतमंद की अगर हम लोग हेल्प करें, क्या क्या हेल्प करके हम लोग क्या क्या उनकी मदद कर सकते हैं देकर, जैसे डोनेटिंग क्लोथ, हम लोग कपड़ा देकर उनका हेल्प कर सकते हैं, खाना देकर उनका हेल्प कर सकते हैं, खेल मतलब कि खिलौना देकर उनका हेल्प कर सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो उन लोगों को देकर हम उनकी हेल्प कर सकते हैं. अब जैसे गुड हैबिट्स एट होम, अब हम लोगों को घर पे क्या क्या गुड हैबिट करना चाहिए. सबसे पहला वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम लोगों को सुबह सुबह उठना चाहिए. ब्रश योर टीथ, अपने हम आपको अपने टीथ मतलब दांतों की ब्रश करनी चाहिए दांतों में ताकि इससे कीटाणु मर जाए. तीसरा टेक बाथ रेगुलरली, कीप योर नोज़ एंड ईयर क्लीन, हम लोगों को डेली नहाना चाहिए और साथ ही साथ अपने नाक और कान दोनों को साफ रखना चाहिए. प्रिपेयर योर स्कूल बैग, हम लोगों को स्कूल जाने से पहले अपने स्कूल की बैग की प्रिपेयर कर लेनी चाहिए. वी आर क्लीन क्लोथ्स, हम लोगों को साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. डू योर होमवर्क टाइमली, हम लोगों को अपना होमवर्क टाइमली करना चाहिए.